guys, welcome back to my channel. So today we will make IntiserBot. So let's start. So guys, देखो मैंने पहले से IntiserBot बना रखा है और बस हमें इसका नीचे का जो है पूरा कंप्लीट करना होगा, तो हम वो करते हैं. चलो let's do it. So guys, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ मैंने बनाया कैसे है पूरा. तो ये जो है इसकी सारी आपको जो है कार्डबोर्ड से बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर जो है कवर करना पड़ेगा वाइट शीट. एंड इधर सेम है सब कुछ, आप चाहो तो ग्लू गन की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो टेप की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हो. मैंने ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करा है और टेप की भी. और तो एंड इसके यहाँ पे जो है इसके बैक साइड पर कार्डबोर्ड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं लगाना, मैंने तो लगाया नहीं है. तो अभी हम इसका कटआउट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरिंग इट. सो गाइस, यहाँ पे जो है मैंने इसकी मेजरिंग तो कर लिया था, अब हम इसको कट करके पेस्ट करते हैं. सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो है कट कर ली इसकी शीट प्लस पेस्ट शीट. सबसे पहले इसको ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहूँगी, छोड़ सकते हो. तभी हम इसको पेस्ट करते हैं. सो गाइस, मैं यूज कर रही हूँ कॉलेज के वाइट पेपर. आपको इसकी जो ये सेंटर वाली जो है हमने पेज है इसको आपको रिऑप्ट नहीं करना है. ओके, एंड आपको ये भी ध्यान रखना है जो इसके बीच की जो ये स्ट्रिप्स हैं इसमें स्पेस होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर जो आपने स्पेस नहीं दिया तो आपका एक खराब भी हो सकता है, इस कारण ध्यान रखना. गाइस, आप चाहो तो फेविकोल या फिर ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है. तो मैंने जो है न्यूरक यूज़ करा जो ये कोरस की वाइट ग्लू है, क्योंकि ये चाइल्ड सेफ है, नॉन टॉक्सिक है. हाँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है नॉन टॉक्सिक. गाइस, तो ये पेस्ट तो हो चुका है. अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो साइड्स होंगे ना उनको कट करना. मैंने ऑलरेडी देखो लाइन अप कर रखा है, यहाँ से कट करना है. सेंटर का पेपर है उसके ऊपर नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं. तो मैं गाइस यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ स्पेशली. हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं. इस साइड हमें जो है पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं एंड इस साइड हमें नेगेटिव इंटीजर लिखना है.
गाइस मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमने कैसे करा है। गाइज यहाँ पे देखो मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी है, ये जो है नेगेटिव इंटीजर है यहाँ तक, रहने वाले पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ तक। तो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर स्लिप लगा देंगे कौन सी नेगेटिव है कौन सी जो है हमारी पॉजिटिव है। तो गाइज मैं यहाँ पे हो सकता है एक्स ओपन यूज कर रही हूँ। गाइस मैं 12.7 के जो है इंटीजर बना, मतलब जो इंटीजर की स्लिप है वो बना रही हूँ। सो गाइस मैंने जो यहाँ पे कट कर ली है, बट अब हम इसके ऊपर स्लिप से नेम लिख देते हैं। सो गाइस अब मैंने बना लिए हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर की स्लिप। सो Let's paste on our integer board. Negative. प्लास्टिक क्रेयॉन्स वाटर कलर्स जो भी आपका मन चाहे। सो गाइस मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, ये जो है स्टिक के कलर्स है, ये देखो बहुत सुंदर है। एंड इसमें से रियल में फ्रेग्रेंस आती है, वो भी इतनी
गंदा सारा लग गया। रब कर दिया। अब हमारे दोनों हो चुके हैं, तो चलिए अब हम उसके ऊपर लगाने स्टार्ट करते हैं कैसे लगता है। सो गाइस ये रहा हमारा इंटीजर बोर्ड, तो अब हम इसके ऊपर वो लगाना स्टार्ट करते हैं। स्पेस है ना, इसके अंदर से हमें जो है तो इसको ऐसे अच्छी तरह से इस टाइप से लगा देना। तो अब मैं आपको दोनों लगा के दिखा देती हूँ। गाइस अब मैं इसको फिर से लगा रही हूँ, मैंने निकाल दिया था उसमें से। देखो हमारे क्या शो कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज -7 + 4, -7 + 4 इज इक्वल टू -3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -3 इज आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है -2 + 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is a correct answer। नेक्स्ट है हमारा -4 + 7 is equal -3, sorry +3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is a correct answer। Next is -8 + 2 is equal -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is a correct answer। So guys ये तो हमारा जो है हमने सॉल्व करके दिखाया था अभी आपको, तो अभी हम उसकी डेकोरेशन करेंगे अच्छी तरह से। So guys ये जो है इसके अंदर मेरी बहुत सारी डेकोरेशन का जो है सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे दिखा। ये देखो गाइस पता नहीं क्या क्या इसमें मैंने भर रखा है, एंड ये होममेड है पूरा, मैंने घर से बनाया था। आप बताना कि आपको कैसा लगा मैं इसका जो है वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैंने कैसे बनाया था। सो गाइस इसमें जो है कि ये रिबन है, एंड इसमें एक ये लेस भी है, एंड इन दोनों का यूज करके बनाते हैं। चलो तो गाइस इसके रिबन को जो है मैंने एक सुंदर सी शेप देनी है, तो चलिए करते हैं। कट कर लेनी है ऐसे सेम टू सेम, बहुत सारे कट कर लेनी है। लेट्स कट इट।
सो गाइस मैं उस शेप पे बहुत सारे कट कर लिए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो है ये साइड्स हैं इनको जो है कवर करेंगे उसके थ्रू। दिस चार्ट एंड रिबन यूज़ करना है। आप चाहो तो कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है या नहीं है, बट इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैं रिबन का यूज़ कर रही हूँ। कि मैथ्स का होता है इसका, इसके अंदर मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स भी लगा सकती थी, बट मैंने सोचा कि इसमें हम लगाते हैं ऐसी, मतलब जैसे ट्राइंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, उस टाइप का कुछ बनाना चाहिए हमें तो अच्छा लगेगा। एंड हम बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा करके लगाना है। तो मैं आपको मिलती हूँ लगाने के बाद। कंप्लीट हो गया, इट इज अ बोर्ड। रिव्यू